समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और ऐसा कौन सा जानवर है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और दूसरे प्लैनेट से अर्थ कैसा दिखता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, अगर आप एक कैट लवर हो तो आप अल्यूरियोफाइल हो। अल्यूरियोफाइल का मतलब होता है कैट लवर। ये एक प्रॉपर वर्ड है उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जिसे कैट्स पसंद है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि शंघाई में ड्रोन्स की मदद से आसमान में एक QR कोड शो किया गया और जब लोगों ने उस QR कोड को स्कैन किया तब वो एक वीडियो गेम डाउनलोड कर पाए? तो है ना ये फैक्ट अमेजिंग? नहीं। फैक्ट नंबर 8, म्यूनिख टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ऐसे जायंट स्लाइड्स बने हुए हैं जिससे स्टूडेंट्स थर्ड फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जल्दी आ सकते हैं, वो भी इस स्लाइड की मदद से। वाह क्या बात है। फैक्ट नंबर 7, तो एलिफेंट के जो ये दो बड़े दांत होते हैं जिसे टस्क कहते हैं, इसका यूज एलिफेंट करते हैं ताकि वो बैटल कर सके और प्रेडेटर्स को दूर भगा सके। लेकिन इसका एक और यूज है, मेल एलिफेंट इसका यूज करते हैं ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जितने बड़े उनकी टस्क होगी उतने ही अट्रैक्टिव एक मेल एलिफेंट दिखता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को और प्लूटो को भी उसमें भर सकते हो। फैक्ट नंबर 5, ये जो इमेज है वो 2004 की है और इस इमेज में जो लड़का है वो और कोई नहीं बल्कि ईडी शिरान है, जिन्होंने हमें शेप ऑफ यू का गाना दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, तो इस इमेज से हमें ये पता चलता है कि एक प्लैनेट से बाकी के प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि मर्क्यूरी से वीनस कैसा दिखता है और मर्क्यूरी से अर्थ कैसा दिखता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो। तो है ना ये फैक्ट अमेजिंग? नहीं। फैक्ट नंबर 3, तो मिलिए लीफ शीप सी स्लग से, ये ऐसा जानवर है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये कैसे कर लेता है फोटोसिंथेसिस। तो इसका जवाब ये है कि ये प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब ये स्लग्स प्लांट्स को खाते हैं तब क्लोरोप्लास्ट को स्टोर कर लेते हैं जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, तो इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज में मून के सारे कलर्स दिखाए जा रहे हैं। तो है ना ये अमेजिंग? नहीं। गजब बेइज्जती है। फैक्ट नंबर 1, तो जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में मैंने बताया था कि समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अब बारी है ये जानने की कि समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो समोसे को इंग्लिश में रिसोल कहते हैं और पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉल्स कहते हैं, पकौड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर्स बोलते हैं और जलेबी को इंग्लिश में फनल केक बोलते हैं और घी को क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट करो और स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा उस पर क्लिक करो।